हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, और जय श्री राम भाई। अपन सो के उठ गए हैं और अपना नहा धो के रेडी भी हो गए हैं। तुम्हें तो बता भाई, 3 दिन से तो अपना व्लॉग आया नहीं था, क्योंकि तो 3 दिन से भाई बीमार चल रहा था। अभी बीमार हो रखा था ज़्यादा, तो 3 दिन से तो बिल्कुल ही तबीयत ठीक ना थी कि भाई व्लॉग भी बना लूट के। इतनी बुरी हालत हो रही थी। और आज 3 दिन बाद तुम्हारा भाई हो चुका है, देख रहे हो। और तुम सोच रहे हो कि भाई यार बीमार तो ना था तुम, है कि व्लॉग तो बोलने को तरीको थोड़ा सा अलग ही है, 3 दिन से अलग नहीं, पर थो यार बीमार है। मेरा व्लॉग तुम्हें पता ही भाई, डेली आवे और डेली बनाया कर अपा। पर अभी 3 दिन के लिए थोड़ा सा रेस्ट हो गया था, तो कोई बात नहीं। बाकी अपने नहा धो के रेडी हो गए, मुस्कान बना रही है नाश्ता, बना ले तो जल्दी जीने का मेहरबानी हो जाए, भूख लग रही है आज तेज की। 3 दिन से सो के उठो ना खाट में, यार अजीब सा मजा आवे ना। और बीमार है ना तो भूख लगे, पानी भी बढ़िया नहीं लगे यार। तुमने भी रोको, पानी भी जब पियो जब कड़वा कड़वा लगे ना पानी, पानी भी कड़वा लगे यार। अब देखो ना बड़े, अब खाऊंगा आज 3 दिन बाद खुल के, आज खुल के नाश्ता करूंगा आज 3 दिन बाद। 3 दिन से ऐसे खा रहा हूँ, आधी रोटी कभी, एक रोटी कभी दाल खिचड़ी, ये मिल रही है 3 दिन से खाने में यार। और बीमार में तो जब ये चीज़ें मिल रही तो और बुरी लगे, जैसे उन चीज़ें ना देख के ऐसा लगा है कि भाई ये कितनी वो होगी, कितना बीमार होगा हम, तो देख रहे हो तुम बीमार आदमी के साथ यही हालत है। और अब 3 दिन बाद मिलेगा आज बढ़िया नाश्ता, और आज इसलिए मैं जल्दी से नहा धोकर रेडी हुआ। मैं आज नहा धोकर नाश्ता करूँगा आज, क्योंकि 3 दिन बाद उठे हैं अपने खाट में से। और मुस्कान जो खाट में से उठ कर नाश्ता बना रही है, देख ले क्या बना रहा। तो गाइज वही नाश्ता वास्ता कर ले, और एक बात तुम्हें बताना भूल गया, मुस्कान जल्दी आओ। क्या हो मुस्कान गया? आ गई है। कल आपको बताऊँ क्या हुआ, कल मैं डॉक्टर के जब दवाई लेने गया, भाई एक ज़्यादा करनी 50-55 साल की लेडीज होगी है, और भाई डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है ना उसके, और वो लगवा नहीं रही, भाग रही इधर उधर। हाँ उसके क्यों? पास है कि नहीं डॉक्टर साहब इंजेक्शन ना लगाओ मेरे, ना डॉक्टर साहब इंजेक्शन ना लगाओ मेरा, डर लगा, मैंने डर लगे दवाई दे दो बस। बंदो डॉक्टर कह रहा कि नहीं इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा, तुम्हारे बुखार ज़्यादा ही हो रहा है, तुम्हारी दिक्कत ज़्यादा ही, इंजेक्शन से ही ज़्यादा आराम आएगा, दवाई तो नहीं काफ़ी लंबे टाइम हो जाएगा। और भैया वो माने ना, वो कह रही इधर से ना डॉक्टर साहब मैं ना लगाऊँ, मैं 55 साल की, बोलते यार इतनी बड़ी होकर कैसे इंजेक्शन से डर रही है। भाग तो रही थी। हैं इधर उधर भी तो भाग रही थी वो कि देखा ना मैं ना आपने, लगाऊँ मैं ना वो लगाऊँ। देखा ना आपने, वो जो एक छोटा सा लड़का था, आओ कर रहा था, ओ जैसे दीपांशु जो कर रहा था, है हाँ ना? वो भी देखिए वीडियो, उसी की हाँ तरह कर रही थी वो डर तो भी। लगता है यार सुन के ऐसी बातें। मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा कि यार इंजेक्शन ऐसे कौन भैंसा वाला ही, वो तो ना नहीं लगा रहा, तभी भग रही देखा, इंसानों वाला तो लगाता तो कोई भगता ना है, पर भैंसा वाला लगा रहा होगा, देखा इतना बड़ा होता ना भैंस का इंजेक्शन, देखा ना। मेरी बात तो मैं भैंस हूँ ना, जो मैं देखूँ नहीं वैसे देखा है क्या कभी भैंस के, जो जब कुछ कुछ भी हो जाता है जब भैंस के जो नहीं। इंजेक्शन लगता है कितना बड़ा लगता नहीं है। हमारे यहाँ तबेले नहीं है सर जी, हैं हमारे यहाँ तबेले नहीं है, क्या आता है यहाँ यहाँ क्लिनिक है, तबेले कहाँ है? है? तो हाँ सॉरी गाइस, तो भैंस ना है यार दिल्ली में, भैंस गाय है ना, सही कह रहा हूँ, दिल्ली में भैंस गाय की बहुत कमी है, कहीं कहीं होगा बस, वो भी थोड़ा सा दिल्ली के आउट में, मेन दिल्ली में नहीं होगा। तो इंजेक्शन की उसकी सुई इतनी बड़ी होती है बस भैंस वाले की, तो तो भैंस इतनी के मोटी, और यूँ लगते हैं यूँ कैसे, पकड़ के यूँ। और मान लो आपके लगा होता है इंजेक्शन मतलब वो जानवरों कि तो मुस्कान उसके बीमार मुस्कान है, मुस्कान इधर आ ले पकड़ भैंस के, लेगी मुस्कान ले भैंस है ना, है ना? हाँ मुस्कान बैस बराबर हो गया भाई। यस हैं मैंने ये भी जानवर वाली पहन रखी है स्टॉल। स्टॉल तो आपको कई दिन हो गए पहनते हुए मम्मी हैं जानवर वाले की, हैं, मम्मी उतार ही ना रहे के भाई, मम्मी का गिफ्ट है भाई, गले से लगा कर रहा, सीने से अपने सीने से लगा कर रखूंगी कह रही थी मुस्कान। लग तो रहा ऐसे तेरा कम से कम है ना 15 दिनों का मुस्कान ने धोया नहीं भाई, यही पहन रही है झूठ कि मैं नहीं धोना भी नहीं झूठ चाहती हूँ इसका। झूठ। अरे धो लेता धो लेता, धो के फिर पहन ले दोबारा भाई। पहले ही होता होगा ना, नहीं पहन लिया था। आज थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा फील कर रहा हूँ। तो आपको झुंझुना ला दूँ, नहीं बच्चों वाला झुंझुना उसे खेल लेना हैं, नहीं बच्चों वाला झुंझुना ला दे, वो आज ला दे मेरे तो को, मैं पालना थोड़ा सा उसमें घूमने झूल फिरने लेना। का वो मन कर रहा है मैं आज। कह रहा हूँ छोटे बच्चे को पालना ला दूँ उसमें झूल लेना। अरे आप उसकी बात कर रहे थे, टैडी के अभी तक तो आप लेके नहीं आए, है ना? कितने गंदे हैं ना वैसे आप। कौन सा टेडी टैडी नहीं, सॉरी, डॉगी। डॉगी? अब डॉगी मंगवाने की कह रही है, डॉगी ने ले दो फिर ये करेगी उल्लू 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 डॉगी उल्लू हाँ उल्लू तब अच्छा है, और लगेगा वो टट्टी पेशाब करने साफ करने मैं है, नहीं छी मुझे घी ना आती, फिर ऐसे ही करेंगे ना। अरे ऐसे छी डायपर मुझे पे घी उसको ना क्या आती ना, है, डायपर पिला देंगे। डायपर बना रहे हो।
ड्राइवर में फिर बदबू ना मारेगी, वो फेंकोगा कहाँ, फेंकोगे यार कोई बिना पोटी वाला कुत्ता नहीं है बिना पोटी वाला है ना, है उस पे मिलेगा खिलौना वाली दुकान पे क्या? जो पोटी नहीं करता, और रिमोट ओरिजिनल वाला लिया ना जो बाऊ बाऊ चाहिए, बोले बस, ओरिजिनल चाहिए छोटा सा, जिसको बैंगलोर में लेके ले तो जाऊंगी। पोटी वोटी तो साफ करना पड़ेगा ना भाई। और पहली बात तो घुमा के लेकर आना पड़ेगा सुबह, नहीं और घुमा छः के क्यों बजे सात है, बजे तैयार हो अरे जाऊँ बालकनी में घुमा देंगे नहीं, भाई। सुबह 6-7 बजे ना वो अपना पट्टा या बेल लेके आ जाएंगे आपके पास, और घूमते रहेंगे आपके पास, घुमा के लाओ, और आप सोते रहोगे ना तो आपको उठाएंगे घुमा के लाओ। कितने अच्छे लगेंगे ना, हाँ फिर आप जाना सुबह 6 बजे उतर के वो नीचे, तो आपको भेज दूंगी मैं, उसको कोई मैं दिक्कत क्यों नहीं जाऊँगा। है। क्यों ऐसा आप लोग बोल देंगे, पेट भी तो जैसे बारिश हो जाएगा आपका, अच्छा सर हल्का हो जाएगा। अच्छा और शाम को फिर नहीं एक टाइम जाना दो ना टाइम भाई, जाता है वो, एक टाइम नहीं जाता है, आपको ये नहीं पता, दो की दो टाइम जाते हैं सुबह और शाम को। अगर शाम को नहीं करा के लाए ना तो फिर भाई वो घर में कर दे, फिर वो घर में कर देंगे, फिर घर में बदबू होगी, फिर उठाएगा कौन है। और या तो वैसे भी जगह ना रहती कि चलो घर में कर देता, नहीं उठा के यहाँ पे कहीं तो फेंक घुमा भी दो, नहीं सकते, हैं यहाँ घुमा नहीं सकते, क्यों नहीं घुमा सकते। ये सारे कुत्ते पीछे से बैठ जाएंगे हमारे गले के, बहुत सारे कुत्ते हैं, अरे हाँ यार एक चीज़ तो बहुत बार बहुत बताना पच्चीस पड़ेगा, तीस गले में हैं, यार इतने बहुत सारे पच्चीस कुत्ते तीस हैं, हैं। दिन में नहीं दिखेंगे भाई ये, क्योंकि दिन में इधर उधर जाके कोने में सोते रहे, और रात में यार इतनी बुरी तरह तो रोएंगे, और इतने सारे कुत्ते भाई, वो उसकी गली में चले जाए तो वो उसके पीछे, गैंग मच जाती है, बहुत गैंग सारे कुत्ते। ये तो है भैया आपके गैंग लिए बना रखी घुमाना है, तो मुश्किल है गैंग कुत्ता, बना रखी है उन्होंने, और रात में ही निकलते ही हैं गाड़ियों के पीछे। तो आपको एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी फिर डॉगी को, क्या कि उसको है ना काट खाएंगे हिंदी वाली क्या? जो वो है ना लेटरिंग, हिंदी वाली टॉयलेट में, उसको आपको फ्रेश होना सिखाना और पड़ेगा, मेरे को कैसे सिखाना पड़ेगा? वो आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, है ना भाई, यूट्यूब पे हर चीज़ मिलती है, बच्चों को तो कहना यूट्यूब पे कि वीडियो नहीं देखो भाई कुत्ते बेटा को पोटी यार कराना नहीं यहाँ कैसे, पढ़ते हैं, वो समझ दो इन दोनों। समझ जाएगा वो हमारी भाषा ही समझेगा वो, पर एक बार में नहीं समझेगा, जैसे बच्चे भी तो कहाँ समझते एक बार में, जैसे वो भी एक बार भी नहीं समझते हैं, काफ़ी दिन तक सिखाना पड़ेगा। अच्छा आप सिखा देना। अच्छा मतलब मैं अपना काम ना करूँ, मैं घर रह के यही काम करूँगा, उसको आगे ना सिखाऊंगा कि भाई तुझे कहाँ आगे ना है पोटी बोलता है पोटी के बोलते, पोटी बोल बात तो एक ही है, ये हरियाणा में चलता था जी, क्यों ना चलता, सब चले चल हैं, गया यार, सब चले हैं इस पर, सब देखा है दिल्ली हरियाणा यूपी सब देखा है इस पर, मेरे को मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया। उधेड़ दिया मैंने। यही काम हो रहा है सबसे, नई नई चीज़ों का नुकसान। ये देखो मेरे अंगूठे के बाइसेप्स, देखो सही बना दिखाओ दिए, दिखाओ ना सही बना दिए मेरे भैया, अंगूठे अंगूठे के के बाइसेप्स। बाइसेप्स बना दिए भाई, सही बना दिए, बिल्कुल सही लग रहा है। तो चले फिर हम भाई, मैं तो चल रहा हूँ आज, मुझे एक और काम है बाहर आज ज़रूरी, तो मैं अपना काम करके आता हूँ आज, तो अगर आपको अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ना, तो बस काम है ज़रूरी, वो काम करके आता हूँ।